श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भाई रब बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। जो भगवती पूजा करते हैं, जो नवदुर्गा की पूजा करते हैं, जो अष्ट मातृका की पूजा करते हैं, उनको पता है कि कुमारी पूजन का माँ भगवती की पूजा में विशेष महत्व है। आज जिस मंत्र का विधान आप लोगों को मैं देने वाला हूँ वो कुमारी दुर्गा का मंत्र है। इस मंत्र को करने से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इस तरह का कोई भी प्रयोग आप पे या आपके घर पे नहीं हो सकता है। ये एक ऐसा विधान है जिसको आपको रोज़ करना होता है। नवदुर्गा की साधना के लिए ऐसे नवारण मंत्र सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, लेकिन कुछ बहुत स्पेसिफिक मंत्र होते हैं और उनका प्रयोजन ये होता है कि अगर आपके घर पर, आपके परिवार पे किसी तरीके का व्याधि चल रहा हो, किसी तरीके का दोष चल रहा हो या किसी तरीके का तंत्र मंत्र या अभिचारी का प्रयोग हुआ हो तो उसके लिए विशेष साधना होती है। इस साधना को कैसे करें? अमावस्या के एक दिन बाद प्रतिपदा, ठीक है, उसमें आप इस साधना की शुरुआत कर सकते हैं और 9 दिन पहला पूर्ण विधान के साथ आपको पूजा करना है। उसके बाद कुमारी दुर्गा का जो मंत्र है उसको आप रोज़ 108 बार जाप करेंगे। इस पूजा में सामग्री क्या क्या चाहिए होती है वो समझ लें। आपको चाहिए होगा एक छोटा सा चौकी जिस पर आप भगवती को स्थापित करेंगे, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा, भगवती की महिषासुर मर्दनी रूप में एक तस्वीर, एक मिट्टी का कलश, उसका ढक्कन, 2 नारियल, पुष्प, इत्र, अगरू, चंदन पाउडर, सूखा नारियल, हवन सामग्री। इसके अलावा 9 दिन में आप 9 तरीके का माँ को भोजन देंगे। जब मैं बोल रहा भोजन देंगे, इसका मतलब है कि सिर्फ नवेद नहीं देना है, जब पूजा जाप करते समय सिर्फ नवेद नहीं देना है, जो 3 समय का भोजन होता है वो 3ों समय का भोजन, ऐसे तो 4 समय दिया जाता है, तो अगर 4 समय दे सके तो और उत्तम है, वो भोजन आपको माँ को विधि विधान के साथ देना है। जिस समय ये साधना चलेगी उस 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन होगा, पृथ्वी पर आपका सोना होगा, शयन होगा, भोजन बिल्कुल ही शाकाहारी होगा और कोशिश तो ये रहती है कि लहसुन प्याज ना खाएं, और यही भोजन आप भगवती को पहले चढ़ाएं और फिर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। कैसे करनी है ये साधना? सुबह सुबह होगी ये साधना। सुबह उठिए, सबसे पहले जो नित्य पूजा है सूर्य नारायण को जल देना, गायत्री की पूजा करना, भैरव की पूजा करना, गणपति की पूजा करना, इतना कर लेंगे। उसके बाद माँ भगवती के लिए जो चौकी लाया है उसको बिछाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर माँ भगवती की तस्वीर रखिए। बस ध्यान ये रखना है कि माँ दक्षिणवर्ती ना हो, मतलब दक्षिण ना देख रही हो, मतलब नॉर्थ की तरफ आपका फेस नहीं होगा। अगर नॉर्थ है आपका पूजा रूम तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ भगवती को आप स्थापित करेंगे ताकि वो साउथ वेस्ट देखे, ठीक है। किसी हालत में दक्षिणवर्ती नहीं करिएगा आप दुर्गा को। उसके बाद सामने में माँ के लेफ्ट में आप कलश स्थापित कीजिएगा। कलश पर लाल कपड़ा बांधिएगा, उसमें जल डालिएगा, उसमें एक सिक्का डालिएगा, थोड़ा अनाज डालिएगा और आम का पल्लव डालिएगा जिसमें कि 5 पत्ते हों, उसके ऊपर से नारियल रखिएगा, उस पर भी लाल कपड़ा लपेट दीजिएगा। माँ के राइट हैंड साइड में दीपक डालिएगा, धूप भी नीचे, ये जितनी व्यवस्था है ये चौकी पे रहेगी, और नीचे जो है आप धूप दीजिएगा, नवेद दीजिएगा। एक जल पात्र में थोड़ा सा अगरू और जल रखिएगा, एक दूसरे पात्र में चंदन, थोड़ा सा कच्चा चावल और एक पुष्प रखिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ों को माँ को समर्पित करिएगा और उसके बाद माँ भगवती का जाप करिएगा। जाप क्या है? जाप है ओम ऐं ह्रीं सौ श्री कुमारी दुर्गा स्वाहा।
फिर से सुनिए, ओम ऐं ह्रीं सौ श्री कुमारी दुर्गा स्वाहा। ध्यान से अंतिम बार बोल रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं सौ श्री कुमारी दुर्गा स्वाहा। जो मंत्र हम अजपा में जपते हैं, हं सः, इसमें वही मंत्र अल्टरेशन के साथ है, ह्रीं सौ। तो ओम ऐं ह्रीं सौ श्री कुमारी दुर्गा स्वाहा, ये मंत्र का आप जाप करेंगे रोज़ 11 माला। 11 माला जाप करके आप भगवती को अर्पण करेंगे, और जो मंत्र है गुह्या गुह्या गुप्तृतम गृहणम स्म कृतम जपम सिद्धिर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी, ऐसा बोल करके माँ के बाएं ओर आप जाप को देंगे, और उसके बाद फिर उस जाप को अपने पे रख लेंगे। इससे क्या होता है कि अगर किसी भी तरीके का कीलन हो, जो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो जो भी कीलन होगा वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ये विधान आप 9 दिन तक करेंगे। 9वें दिन विधान पूर्ण होने के बाद, ठीक है, आप भोजन पूरे दिन देंगे। 10वें दिन आप हवन करेंगे। देखो ये जो दब दब जब मैं 10वां दिन बोल रहा हूँ ना, तो 10वां दिन का अर्थ होता है दिनांक, मतलब डेट के हिसाब से नहीं, पंचांग के हिसाब से जो 10वां दिन होगा, उस 10वें दिन को आप हवन करेंगे। हवन सामग्री जो जनरल मार्केट में हवन सामग्री आती है, उसके अलावा आपको तिल जौ गूगल और रार मिला के करना है। माँ को और प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुड़ और मधु भी इसमें मिलाइए। ये सब मिला करके दशांश हवन, मतलब अगर 9 दिन आपने जाप किया तो करीब 9 माला जो है आपको दशांश हवन करना होगा। इतना कर लें और रोज़ नित्य 108 इस माला का जाप करें, तो किसी भी तरीके का औपचारिक प्रयोग आप पर काम नहीं करेगा। ये था कुमारी दुर्गा मंत्र साधना, बहुत ही सिंपल है, सब कर सकते हैं अपने घर में, आप लोग करिए। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप मुझे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं www.aghortantrahasya.xyz। माँ भगवती आप सभी पे कृपा बरसाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।